तो इसके साइड पे यहाँ पर हम देखेंगे कि ऐसे एक आउटग्रोथ सी नज़र आ रही है दिस इज़ कॉल्ड एज लीफ प्राइमोडियम लीफ प्राइमोडियम का मतलब है कि जहाँ से लीफ का ओरिजिन होना है जहाँ से लीफ को बनना है तो ये एक माउंट ऑफ सेल्स बन जाएगा ये जो सेल्स हैं बाद में दिस दे विल ग्रो टू फॉर्म लीफ तो यहाँ से ये यह निकलेगा ये वाला माउंट साइड से और दिस इज़ कॉल्ड एज लीफ प्राइमोडियम फर्दर ये जो लीफ प्राइमोडियम है ये सेल्स सारे ऐसे ग्रो करेंगे दे और डिवाइड करेंगे तो इसकी ग्रोथ होती जाएगी और अल्टीमेटली दिस विल डिवेल्प इन टू लीफ स्ट्रक्चर तो ये जो पहले ओरिजिन होता है फिर वो लीफ में डिवेल्प होता है तो वो सारा प्रोसेस कैसे है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे हम कुछ अभी प्लांट्स की फोटोग्राफ्स देखते हैं या पिक्चर्स देखते हैं यहाँ पे आप देखोगे कि ये ड्रेसिना प्लांट है और यहाँ पर आप देखोगे कि ये वाला एरिया यहाँ पर ये छोटा सा एक पत्ता फोल्डेड फॉर्म में आ रहा है बाद में ये जो पत्ता है पूरा का पूरा ऐसे लीफ में डिवेल्प हो जाता है ठीक है और यहाँ पर आप फिर देखते हो ये भी ये भी जो ये दिखाया है दिस इज़ अगेन कि लीफ अराइज हो रहा है फिर पूरा एक्सपैंड हो जाएगा तो पूरी उसकी डिवेलपमेंट हो जाएगी लीफ में यहाँ पर हम ये बीटल आ, पान का पत्ता देख रहे हैं तो यहाँ पर भी छोटा पत्ता देख रहे हैं और यहाँ पर देख रहे हैं आप छोटा सा लीफ जो है राइज़ हो रहा है यहाँ पर भी आप देख सकते हैं तो ये ओरिजिन हो रहा है लीफ का फिर ये पूरा का पूरा मैच्योर लीफ बन जाता है तो इसमें भी हम देख सकते हैं कि ये वाला एरिया में आप देख सकते हो कि ये लीफ अराइज़ हो रहा है तो फिर ये पूरा एक्सपैंड होकर प्रॉपर लीफ बन जाएगा सिमिलरली हम ये सिंजोनियम प्लांट में भी देख सकते हैं कहीं पे आप देख सकते हो फोल्डर लीव्स हैं कहीं पे एक्सपैंडेड लीव्स हैं तो वो लीव्स पूरे डिवेल्प हो रहे हैं इनटू द फुल फ्लैश लीव्स तो ये इलायची का प्लांट है इसमें भी आप देख सकते हो ये अभी लीफ फोल्डर फॉर्म में है बाद में ये पूरा एक्सपैंड होकर पूरा लीफ बना देता है तो ये पूरा प्रोसेस होता कैसे ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे पहला स्टेप होता है इनिशिएशन जो अभी हमने डिस्कस किया कि ये है एपिकल पार्ट ऑफ द शूट विच इज़ रिच इन मैरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसको हम बोलते हैं शूट एपिकल मैरिस्टेम तो इसमें सेल्स हैं जो डिवाइड कर रहे हैं तो इसकी साइड से हम देखते हैं कि यहाँ पर ये पूरा प्राइमोडियम निकल रहा है जिसको हम बोलते हैं लीफ प्राइमोडियम दोनों तरफ से निकल रहा है तो ये एक ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जिससे लीफ बनना है uh, अब हमें समझना है कि दो तरह की सेल डिविजन्स होती हैं मान लीजिए ये सेल है अगर ये पैरेलल टू वॉल डिवाइड कर रहा है तो हम बोलेंगे पेरीक्लाइनल डिवीजन लेकिन अगर ये राइट right एंगल पे ऐसे डिवाइड कर रहा है तो इस इज़ कॉल्ड एज एंटीक्लाइनल डिवीजन तो जब भी लीफ बनेगा उसमें एंटीक्लाइनल एज वेल एज पेरीक्लाइनल डिवीजन होगी तो पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ लीफ प्राइमोडियम फिर उनमें क्या उन सेल्स में क्या होगा ये जो सेल मास ऑफ सेल्स हैं इनमें क्या होगा एंटीक्लाइनल एज वेल एज पेरीक्लाइनल डिवीजन जिससे इसका ग्रोथ होगा और ये बढ़ जाएगा फिर उसके बाद जब ये ग्रोथ हो गया ऐसे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर हम लीव का सेक्शन कट करें तो हमें ऐसे नज़र आएगा राइट तो यही चीज़ हमें यहाँ नजर आ रही है तो ग्रोथ हो गया उसका लीफ ऐसे प्रॉपर ऐसे ग्रो कर जाएगा राइट तो जब ये ग्रो कर जाएगा तो हम देखेंगे कि ये वाला पार्ट जो है इसको हम एपिकल पार्ट बोलते हैं दिस इज़ कॉल्ड एज एपिकल पार्ट और ये जो बीच वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं इंटर कैलरी ग्रोथ तो इसकी जो ग्रोथ है इंटर कैलरी से होगा प्लस ये जो ऊपर ये वाला सर्फिस है लीफ का ऊपर वाला सर्फिस जिस इसकी जो ग्रोथ होगी दैट विल बी बाई मीन्स ऑफ एडेगजियल मैरिज स्टैप और ये वाला जो पार्ट है वो ग्रो करेगा बाय मार्जिनल मैरिज स्टैप और यहाँ पर अगर हम एक लीफ देखें तो उसकी जो थिकनेस है ये वाली दिस विल डिवेल्प बाय प्लेट मैरिज स्टैप और ये जो एपिकल पार्ट है यहाँ पर तो यहाँ पर भी सेल डिवाइड करेंगे तो ये पार्ट है लीफ का जहाँ मिड रिब होती है जैसे ये लीफ है इसमें यह रिब पार्ट है अगर हम सेक्शन कट करेंगे यहाँ से तो हमें इसकी शेप ऐसे ही नज़र आएगी तो ये मिड रिब वाला पार्ट हो गया एडेक्जियल मैरिस्टैम से डिवेल्प हो रहा है ये मार्जिनल मैरिज टाइम से डिवेल्प हो रहा है और ये प्लेट मैरिस्टैम से डिवेल्प हो रहा है सो एपिकल इंटरकैलरी एडेक्जियल एंड प्लेट मैरिजैम से इसकी ग्रोथ होगी एंड अल्टीमेटली दिस विल डिवेल्प इन टू लीफ तो हम देख सकते हैं कि लीफ का एक्सिस जो है वो ग्रो कर रहा है बाय इंटर ग्रोथ और बाय एपिकल मैरिज ऑफ द लीफ प्लेट और अल्टीमेटली उसकी जैसे ये प्राइमोडियम बना था ये प्राइमोडियम बहुत लंबा हो जाएगा ऐसे तो अल्टीमेटली वो चौड़ा भी हो जाएगा और उसकी प्रॉपर ग्रोथ हो जाएगी और अल्टीमेटली हमारे पास एक लैमिना बन जाता है लीफ का प्रॉपर लैमिना बन जाएगा इसमें ये वाला जो पार्ट है इसको हम मिटरेप बोलते हैं मिटरेबेज बेसिकली पार्ट जिसमें वेस्कुलर टिश्यू हैं जो इसको पानी मिनरल और न्यूट्रिएंट सप्लाई करेंगे सो नेक्स्ट स्टेप इज ग्रोथ ऑफ लेमिना बाय मार्जिनल मैरिस्ट है तो ये जो अगर हम देखें ऐसे लीफ जा रहा है अब उसकी चौड़ाई बढ़ रही है ब्रेथ बढ़ रही है तो ब्रेथ जो बढ़ रही है दैट इज़ बाय मीन्स ऑफ ग्रोथ ऑफ द मार्जिनल मैरिस्ट है और यहाँ पे ये जो एरिया है जहाँ पे एपेक्स बन रहा है दिस इज़ कॉल्ड एस लोकस ऑफ एपिकल ग्रोथ तो ऐसे जब लीफ ग्रो करता है ये पाला पार्ट इसका एपेक्स हो गया इसको हम एपिकल ग्रोथ बोलेंगे अब ये जो चौड़ाई बढ़ रही है इधर और इधर दिस इज़ बाय मीन्स ऑफ मार्जिनल मैरिस्टैम और वी कैन से प्लेट मैरी इसको बनाने में हेल्प कर रही है उसके बाद हम देखेंगे कि प्रॉपर लीफ प्लेट बन जाता है उसमें ये जो रीजन है यहाँ पर हम बोलेंगे मार्जिनल इनिशियल्स और ये जो सेंटर में होते हैं ये जो सेंटर में होंगे हम बोलेंगे सब मार्जिनल इनिशियल तो जो मार्जिनल इनिशियल्स है मोस्टली वो एंटीक्लाइनल डिवीजन से डिवाइड करेंगे एंटीक्लाइनल मीन अगर ये वाला पार्ट है तो ये ऐसे करके बन जाएगा तो ये इसमें एंटीक्लाइनल डिवीजन होगी तो अगर ये बीच वाला पार्ट है तो वो ऐसे करके डिवाइड होगा तो ये है सब मार्जिनल इनिशियल्स तो अल्टीमेटली ये लीफ में डिवेल्प हो जाता है Uh, अब जब लीफ डेवलपमेंट हो रही है तो हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं वन इज टाइप वन वन इज टाइप टू टाइप वन में क्या होता है ऑल्ट्रेशन ऑफ एंटी क्लाइनल एंड पेरीक्लाइनल डिविजन एंटीक्लाइनल हो रही है फिर पेरीक्लाइनल हो रही है फिर एंटीक्लाइनल हो रही है फिर पेरिक्लाइनल हो रही हैं एबैक्जियल है. uh, जो लोअर सर्फेस पे है एडेगजियल जो ऊपर सरफेस पे है तो जो मिजोफिल टिश्यू होता है कि एक लीफ है उसके अंदर जो ग्रीन सेल्स होते हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट है उसको हम मिजोफिल टिश्यू बोलते हैं तो मिजोफिल टिश्यू के डेवलपमेंट लीफ में होनी बहुत जरूरी है तो वो जो है दैट इज़ बाय मींस ऑफ एबैक्जियल एंड एडेक्जियल मिजोफिल फॉर्मेशन जो है दैट इज बाय एंटीक्लाइनल डिविजन्स तो टाइप वन में क्या होता है ऑल्ट्रेशन ऑफ एंटीक्लाइनल एंड पेरीक्लाइनल डिविजन फॉर्मेशन ऑफ एबैक्जियल एंड एडेगजियल मिजोफिल बाय एंटीक्लाइनल डिविजन तो मार्जिनल इनिशियल जैसे हमने डिस्कस किया था कि ये वाला जो पार्ट है दिस इज़ मार्जिनल इनिशियल और ये वाला जो पार्ट क्या होता है सब मार्जिनल इनिशियल तो हम मार्जिनल इनिशियल ये देखेंगे ये इसका एक ऊपर वाला सर्फेस एक लोअर वाला सरफेस तो दिस इज एडेगजियल एंड दिस इज एबैक्ल तो यहाँ से बनेगा अगर हम देखें तो एक होता है अपर एपीटरमस दूसरा होता है लोअर एपिटरमस तो ये हो गया एबैक्सियल ये हो गया अडेक्सियल तो ये एंटीक्लाइनल डिवीजन से बनेगा मार्जिनल इनिशियल जो है कट करेंगे एंटीक्लाइनली और वो बनाएंगे ऊपर का एपिडर्मस और नीचे का एपिडर्मस अब रह गए जो बीच में ये इनिशियल्स हैं सारे जिनको हम बोलते हैं सब मार्जिनल इनिशियल्स इससे क्या क्या बनेगा इससे बनेंगे पैलिसेड पेरनकायमा वेस्कलर बंडल जो प्रोकेमियम टिश्यू से बनता है मिडल स्पॉन्जी पेरन कायमा एंड लोअर स्पॉजी पेरन कायम अगर हम लीफ का स्ट्रक्चर देखें तो हम देखेंगे कि मान लीजिए ये लीफ है इसमें ये ऊपर वाला एपिडर्मिस है ये नीचे वाला एपिडर्मिस है यहाँ पर ऐसे पैली से टिशू बनता है लंबे लंबे सेल बनेंगे जो कंपैक्टली अरेंज होंगे और नीचे की तरफ ऐसे स्पॉन्जी टिशू बनता है तो ये जो ऊपर वाला पैली से टिशू है हम इसको बोलते हैं पैलीसेट पेरन कायमा सो so दिस इज पैलीसेट पेरन कायमा अब जो नीचे बन रहा है दिस इज़ कॉल्ड ए स्पॉन्जी पेरन कायमा और बीच में यहाँ पर हम देखेंगे इस जगह पर हम देखेंगे कि इस जगह पर मान लीजिए ये वाली जगह है तो यहाँ पे वेस्कुलर टिश्यू बनेगा तो इसको हम बोलते हैं वेस्कुलर बंडल प्रोकेम्बियम इसको टिश्यू बोलते हैं प्रोकेम्बियम प्रो केम्बियम जो वेस्कुलर टिश्यू को बनाएगा हम बोलेंगे प्रोकेम्बियम और जो एक है अगर हम लीफ बना रहे हैं जैसे ये एक ये लीफ बना रहे हैं तो यहाँ पर हम ऊपर अपर, अपर एपिडर्मस बनाया यहाँ पे लोअर एपिडर्मिस बनाया और यहाँ पर एक होगा पैले से टिश्यू एक है स्पॉन्जी टिश्यू तो एक हो जाएगा ऊपर वाला स्पॉन्जी और एक हो जाएगा नीचे वाला स्पॉन्जी तो ये जो है सारा ऊपर वाला स्पॉन्जी और लोअर वाला स्पॉन्जी हम देख सकते हैं मिडल स्पॉन्जी पेरन कायमा एंड लोअर स्पॉन्जी पेरन कायमा तो ये सारा कुछ ये सारी डिवेलपमेंट कहाँ से हो रही है सब मार्जिनल इनिशियल से हो रही है और यहाँ से ही हम देखेंगे एक तरफ बन रहा है पैलिसट पेरन कायमा लोअर स्पॉन्जी पेरन कायमा और ये वाले जो सेल्स हैं ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं एक बनाएंगे मिडल स्पॉन्जी पेरन कायमा और एक बनाएंगे वेस्कलर टिश्यू सो पेरिक्लाइनल डिविजन्स होंगी टू फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मिडल लेयर ऑफ द मिजोफिल टिश्यू टाइप टू में क्या हो जाएगा जो सब मार्जिनल इनिशियल्स हैं उनमें एंटीक्लायनल डिविजन्स होंगी सिर्फ एंटी क्लायनल और जो डीप इनर लेयर्स हैं वो एबैक्जियल या एडेगजियल लेयर से डेराइव होंगी तो हम देखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है मार्जिनल इनिशियल से क्या बन रहा है ऊपर वाला एपिडर्मस एडेक्जियल एपिडर्मस टिश्यू और नीचे वाला एपिडर्मल टिश्यू विच इज़ कॉल्ड एज लोअर एपिडर्मस टिश्यू जो सब मार्जिनल इनिशियल है उनका एक हिस्सा बना रहा है सेल्स का पैलीसेड पेरन और एक हिस्सा बना रहा है सारे सेल्स वेस्कुलर बंडल मिडल स्पॉन्जी पेरनकायमा एंड लोअर स्पॉन्जी पेरनकाइमा तो ये दो तो टाइप्स हो गए टाइप वन एंड टाइप टू अब हम देखेंगे कि लीफ में म्यूजिफल टिश्यू का कैसे डिफ्रेंशिएशन होता है तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये एक ही तरह के सेल्स पड़े हैं सारे राइट तो इनको बोलेंगे हम अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स ऑफ लीफ मीन सेल्स के जो लीफ के जो सेल्स हैं अभी तक उनमें डिफ्रेंसीशन नहीं है यहाँ पे बीच में कुछ सेल्स हैं जिनमें लगता है ये प्रोकेमियम टिश्यू है अब देखेंगे फिर चेंजेज आनी शुरू हो गई अगर हम देखें यहाँ पर तो ये जो अपर एपिडर्मिस बनना शुरू हो जाएगा यहाँ पर लोअर एपिडर्मिस बनना शुरू हो जाएगा और ये लंबे लंबे सेल्स बनने शुरू हो गए जिनको हम बोलते हैं पैलिसेट पेरन कायमा और नीचे थोड़ी जो स्पॉन्जी टिश्यू में ऐसे देखोगे थोड़ी एयर कैविटीज़ बननी शुरू हो जाती है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये थोड़े लूज़ होने शुरू हो गए सेल्स यहाँ पे थोड़ी शेप आनी शुरू हो गई सेल्स की तो फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जो प्रोकेमियम है इससे प्रॉपर वेस्कुलर टिश्यू बनना शुरू हो जाता है ये बंडल शीत बन गई अंदर जाइलम और फ्लोएम बन जाएगा जिसको हम वेस्कुलर टिश्यू बोलते हैं प्रोकेमियम का जो डेवलपमेंट है वो भी प्लेट मैरिस्टैम से होता है फ्लोएम इसमें पहले डिवेल्प हो जाता है जाइलम से तो अगर हम एक लीफ देखें उसमें यह मिड्रिप पार्ट है ये वेंस हैं तो जितनी मिडरिप एंड वेंस हैं उनमें क्या होता है वेस्कुलर टिश्यू जो जो भी न्यूट्रिएंट्स लीफ में बनते हैं उनको बाकी टिश्यूज़ को सप्लाई करने में हेल्प करते हैं बाकी ऑर्गन को लेके जाते हैं तो हम यहाँ देख रहे हैं अब क्या चेंजेस आई हैं अब एक ऊपर की एपिडामस डिवेल्प हो गई देखेंगे कि एक ऊपर एपिडामस डिवेल्प होगी एक लोअर एपिडामस डिवेल्प हो गई सेंटर में ये है प्रोकेमियम टिश्यू तो यहाँ पर आप देखते हैं कि पहले से टिश्यू का प्रॉपर शेप आ जाता है प्रॉपर शेप और हर हर में क्लोरोप्लास्ट भी है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये पहले से टिश्यू डेवलप होना शुरू हो गया और ये जो स्पॉन्जी पेरन काया है काफ़ी लूज हो गया ये बन गया मिडिल स्पॉन्जी पेरन कैमा ये बन गया लोअर स्पॉन्जी पेरन कैमा एंड दिस इज द लोअर एपिडर्मिस टिश्यू एंड ये हो गया इसका वेस्कलर टिश्यू सो अल्टीमेटली हमने देखा है कि जो शूट एक हम शूट देख रहे हैं तो मान लीजिए ये शूट है उसमें यह लीफ प्राइमोडियम बना अब ये लीफ से प्रॉपर लीफ डिवेल्प हो गया तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अभी ये फोल्डर लीफ है लेकिन बाद में ये फुली लीफ डिवेलप हो जाता है तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इसका इसको हम बोलते हैं इसका आ, मार्जिन मार्जिनल इनिशियल जो है वो प्रॉपर इसके एक्सपेंशन में हेल्प कर रहे हैं तो जैसे हमने देखा था कि अगर हम सेक्शन कट करेंगे लीफ का तो हमें ऐसे नज़र आएगा राइट तो यहाँ पर ये प्रॉपर लीफ है तो ये वाला जो पूरा पार्ट है इसका ये यहाँ पर ऐसे ग्रो कर रहा है ये वाला इसके नीचे वाली सरफेस वाला पार्ट यहाँ से ग्रो करेगा और ये जो पूरी ग्रोथ है लीफ की इसका प्रॉपर एपेक्स वगैरह बनना अब देख रहे हैं कि ये एपेक्स है इसका तो इसकी प्रॉपर जो ग्रोथ हो रही है ये जो सारा प्रोसेस अभी हमने डिस्कस किया कि कैसे हो रहा है तो अल्टीमेटली अगर हम देखेंगे कि ये लीफ प्राइमोडियम था तो ये पूरा ऐसे डिवेल्प हो गया और अल्टीमेटली ये पूरे लीफ में डिवेल्प हो गया जैसे अभी हमने पूरा एक्सप्लेन किया है सो दिस इज़ ऑल अबाउट ओरिजिन एंड डिवेलपमेंट ऑफ द लीफ Uh, if you like my video, please like, share and subscribe. Thank you for watching it.